हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पालक और मटर का झोर जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और आज मेरे किचन में बनने वाला है पालक मटर का झोर। तो इसे मैंने किस तरह से बनाया है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हरे ताज़े मटर को लिया है, जिसे मैंने कल मार्केट से लेके आया था। और यहाँ पे देखिए, ये मटर को हमने अच्छे से छील लिया है। आप चाहे तो छीला हुआ मटर भी मार्केट में मिलता है, उसे भी ले सकते हैं। और ये जो जितना मुझे ज़रूरत था उतना मैंने छील लिया है, बाकी सब को मैंने साइड में मतलब फ्रिज में उसको डाल दिया। अभी ये देखिए, पालक जो है मुट्ठी के हिसाब से पालक मिलता है, आप चाहे तो कहीं कहीं केजी के हिसाब से भी मिलता होगा। तो मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी पालक ली हूँ। और पालक में जो है बहुत सारा गंदगी रहता है, कभी कीड़ा वगैरह भी रहता है। तो पालक को अच्छे से हम लोग को क्या करना है, अच्छे से मैंने इसे चुन लिया है, जो गंदा पत्ता ख़राब पत्ता रहता है उसे निकाल लेना है। और गुनगुने पानी से इसको थोड़ा सा धो लीजिए, तो जो भी कचरा वगैरह रहता है, मिट्टी वगैरह रहता है, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और इधर मटर को हमने थोड़ा सा बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक मटर मेरा बॉयल होता है, तब तक हम लोग पालक का भी मतलब अच्छे से गुनगुने पानी से धोने से ये जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो 2-3 पानी से हम लोगों को अच्छे से इसे धो लेना है, जो भी बालू वगैरह रहता है इसमें वो निकल जाता है और अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। अगर अच्छे से नहीं धोएंगे तो क्या होगा, पालक में बालू रह जाता है और ये कुरकुरा आपको करेगा खाने में, ये दांत में लगेगा। तो अभी पालक को हमने धो लिया है और एक कढ़ाई में इसे मैं थोड़ा सा उबालने वाली हूँ। पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, बिल्कुल सादा आपको उबालना है, मतलब कुछ भी नहीं डालना है, ये अपने आप जो है अपना पानी छोड़ देगा। देखिए 5 मिनट हो गया है और 5 मिनट के बाद ही देखिए मेरा पालक किस तरह से पानी छोड़ दिया। आपको काटना भी काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे खड़े ही पालक को उबाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ, ये अपने हीट से ही ये सीज जाएगा। अभी मैंने इधर दूसरा कढ़ाई को गर्म किया है, इसमें थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, ये नारियल का तेल है, आपको जो मन करे उस तेल को ले सकते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ खड़ा मतलब प्याज को, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है। और एक सूखी हरी मिर्ची लिया है मैंने, आप मिर्ची ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन। तो चारों चीज़ को हमने थोड़ा सा इसको क्या करना है, डाल दिया है और इसको हल्का सा भून लेना है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको भूनेंगे। अभी मेरा जो है इसको भून गया है, तो उसको मैं ढककर गैस को ऑफ कर दी हूँ। और इधर मेरा पालक भी देखिए बन हो गया है। तो जो इतना देखिए, पालक जो पानी छोड़ा है इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं सब्जी में यूज करूँगी। और अभी पालक को मैं इसको पीसने वाली हूँ। अभी देखिए मैं लाइट कट गया है मेरे घर में, तो यहाँ पे इसका मिक्सर में पीसेंगे नहीं, इसको सिलबट्टे पे डायरेक्ट जो है हम लोग पीस लेंगे। तो अभी जो है ये मेरा प्याज भी मतलब भून गया है, तो इसको भी इसके भी गैस को जो है ऑफ कर देते हैं और ये भी अपने स्टीम से जो है वो सीज जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आज हमें सिलबट्टे पे ही पीसना होगा, क्योंकि लाइट है नहीं, लाइट रहता है तो जल्दी जल्दी सारा काम जो है हो जाता है। वैसे सिलबट्टे पे पीसने से जो सब्ज़ी का कोई भी टेस्ट बनाएंगे तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो कोई भी सब्ज़ी अगर बनाते हैं सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं तो देखिएगा कि उसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। और थोड़ा सा हम लोग आलू लिए हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे कढ़ाई को हमने गर्म किया है, उसमें थोड़ा सा हम लोग तेल डालेंगे और एक तेज़पत्ता, खड़ा जीरा और एक सूखी लाल मिर्च हमने फ़ोरन के लिए डाला है। जैसे ये सारा चीज़ तड़क जाता है, इसमें हम लोग डाल देंगे ये पहले पीसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और थोड़ा सा इसको हम लोग भूनेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालकर इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे। ज़रूरत पड़ता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें मसाला में हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ा सा ही धनिया इसमें डाला है, क्योंकि मसाला इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं। और बिल्कुल इस तरह से हमें हल्का हल्का भून लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम लोगों को हल्का सा पका लेना है, जब तक कि ये तेल नहीं छोड़े। हल्दी मैंने पहले इसीलिए डाल दिया है क्योंकि जब इसमें पालक जब लोग ऐड करते हैं तो हल्दी दिखता नहीं है, हल्दी दिखने के लिए ही मैंने पहले ही हल्दी डाल दिया। अभी देखिए मेरा मसाला जो है बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। तो अभी इसमें हम लोग खड़ा हुआ जो कटा आलू था उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को इसे भून लेना है
और देखिए थोड़ा सा मेरा मतलब जल रहा था तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दी हूँ और इसको अच्छे से हम लोगों को भून लेना है, एक थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बना लेना है। आलू तो सीझा हुआ ही है, प्याज भी मेरा सीझा हुआ है, तो ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल झोर झटपट हमारा बन जाता है। अभी मैं पालक जो पीस के रखी थी उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ और इसको अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। यकीन मानिए ये सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी बनता है। और अभी पालक का भी समय है तो आपको मार्केट में पालक जो है खूब मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है। तो अभी देखिए मेरा ग्रेवी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो मटर मैंने उबाल के रखा था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, जो मन करे वो सब्ज़ी इसमें आप डाल सकते हैं। अभी सारा सब्ज़ी मतलब मैंने डाल दिया है और मसाला कुछ भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया, गरम मसाला भी मैंने कुछ नहीं डाला है। बिल्कुल ये सादा बनने वाला है और ये काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो अभी सारा चीज़ मेरा डला गया है और इसमें मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल देती हूँ। गरम पानी डालने से इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी देखिए इस तरह से मेरा सब्जी जो है जोर बनकर तैयार हो गया है। और सबसे लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर भी हमने डाल दिया था। और ये झटपट बनने वाली सब्ज़ी जो है मतलब काफ़ी टेस्टी होती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर मटर और पालक का झोर बना सकते हैं और ये जो है काफ़ी सबको पसंद भी आता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।